हे गाइस, दिस इज हियर रोहित और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हाउ टू चूज अ बेस्ट लैपटॉप। हम सभी जो है किसी भी लैपटॉप को बेस्ट कब कहेंगे। तो बेसिकली ये जो बेस्ट लैपटॉप का वाला टर्म है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और हम सभी चाहते हैं कि हमें लैपटॉप में एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिले, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो, उसकी जो सिक्योरिटी पैच है वो भी अच्छी लेवल की हो, जिसमें कि मेरी डेटा बहुत ही सिक्योर रहे और मुझे लैपटॉप से बहुत अच्छा स्पीड देखने को मिले। तो बेसिकली अगर आप आने वाले टाइम में एक न्यू लैपटॉप परचेज करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली बात करने वाला हूँ कि बिजनेस लैपटॉप्स क्या होते हैं। क्योंकि बिजनेस लैपटॉप्स की जो होती है फीचर्स वो बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी कंपनीज की उसकी जो होती है बिल्ड क्वालिटी उस पर बहुत ही अमेजिंग कंपनी रोल करती है और उसकी जो परफॉर्मेंस पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है, साथ ही उसकी सिक्योरिटी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है, ताकि आपकी डेटा जो है वो सिक्योर रहे, आपके डेटा को कोई मैनेज ना कर पाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर बिजनेस लैपटॉप्स को परचेज करने के क्या क्या टॉप एडवांटेज हैं और आपको इस टाइम पर बिजनेस लैपटॉप परचेज क्यों करना चाहिए। तो जैसे ही लॉकडाउन आया तो हम सभी चाह रहे थे कि मेरे पास एक अच्छी सिस्टम हो जिसपे कि मैं अपने सभी डेटास को रख सकूँ और मेरे सभी डेटास एक जगह अच्छे तरीके से सिक्योर तरीके से रहे। और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी लैपटॉप परचेज करें जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लगभग ही 6 to 7 years के लिए आराम से चले, विदाउट एनी लैगिंग, कोई भी इसमें ऐसा सिक्योरिटी बग ना आए। तो बेसिकली आपके लिए यहाँ पर बिजनेस लैपटॉप बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ किसी भी बिजनेस लैपटॉप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है उसका सिक्योरिटी। तो यहाँ पर बिजनेस लैपटॉप में आपको बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी देखने को मिलती है। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर्स के ऑप्शंस आपको मिलती है, एक फेस अनलॉक आपको मिलती है, विंडोज़ की तरफ से एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि TPM। TPM एक बहुत ही अच्छी जो सिक्योरिटी पैच है जिससे कि आपकी डेटा बहुत ही सिक्योर रहती है। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, जी हाँ, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाली एक बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी देखने को मिलती है, आपकी डेटा बहुत ही सिक्योर रहती है, आपकी डेटा इनक्रिप्टेड रहती है, जैसे कि अगर कोई हैकर आपके लैपटॉप को अपने पास उसकी मैनेज भी करना चाहे तो उससे मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर TPM जो है आपके डेटा को इनक्रिप्ट रखता है, इनक्रिप्टेड रखता है, ताकि आपकी डेटा को कोई भी इजिली हैक ना कर सके, उसे मैनेज ना कर सके, उसे वहाँ पर बहुत सारे जो होते हैं स्टेट से गुजरने के बाद ही वो उस जगह पर पहुँच पाएगा जहाँ पर आपकी डेटा है। तो ये सभी सिक्योरिटीज आपको बिजनेस लैपटॉप में देखने को मिलते हैं, आपको नॉर्मली जो लैपटॉप आते हैं कंज्यूमर लैपटॉप में देखने को नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर जो मैं बात करता हूँ डिज़ाइंस की, लुक की, ड्यूरेबिलिटी की, तो बेसिकली आपके पास जो आते हैं कंज्यूमर्स लैपटॉप्स वो उसकी जो कंपनीज होती है, चाहे मैं बात करूँ डेल की, HP की, लेनोवो की, आसूस की, एसर की, वो अपने कंज्यूमर लैपटॉप की डिज़ाइन पर बहुत ही वर्क करता है। और बेसिकली जो आते हैं बिजनेस लैपटॉप्स कंपनी उस पर उसकी बिल्ड क्वालिटी पर वर्क नहीं करता, उसकी डिज़ाइन पर वर्क नहीं करता है, वो चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स को, जो लोग इस लैपटॉप को परचेस करना चाह रहे हैं और उनका मेन पर्पस जो है कि वो उस लैपटॉप को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर पाएँ, तो वहाँ पर जो कंपनीज है उसके डिज़ाइन पर ज़्यादा दिमाग ना लगाकर उसकी जो होती है बिल्ड क्वालिटी पर बहुत ही इंप्रूवमेंट करती है। इंप्रूवमेंट का मीन्स कि वहाँ पर उसकी जो होती है बॉडी वो पूरी की पूरी कार्बन बॉडी होती है, बहुत ही हल्की सी होती है, हल्की मतलब कि उसकी बॉडी एक ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है, एक टेक्सचर सी डिज़ाइन होती है, ताकि आपको उससे बॉडी से बहुत ही अच्छा जो होता है स्ट्रॉन्ग फिनिश आए और आपको उससे कोई भी ऐसा दिक्कत बाद में देखने को नहीं मिले। और उसकी हिंजेस जो होती है वो मेटल की होती है, जी हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि उसकी बॉडी भी कार्बन की है, उसकी हिंजेस भी कार्बन की है, तो दिक्कत तो मुझे बहुत ज़्यादा होने वाला है, बट ऐसा नहीं है, कंपनीज बॉडी को एक ऐसा बनाती है ताकि आपको उससे ज़्यादा बल्कि महसूस ना हो, और उसकी जो हिंजेस है उसकी मेटल की होती है, ताकि आप अगर उसे, और कंपनीज जो है उस टाइम पर जिस टाइम लैपटॉप को बिल्ड करती है उस टाइम पर वो बहुत टाइम्स उसे ऐसे ओपन क्लोज करती है, ताकि आपकी जो होती है हिंजेस पे प्रॉब्लम ना आए, और उसे टेस्ट करने के बाद ही उस लैपटॉप को कंपनी मार्केट में लाती है और तभी आपके पास वो लैपटॉप पहुँचता है। और उसकी जो होती है बिल्ड क्वालिटी को कंपनी जो है बहुत ही लो टेम्परेचर पर, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर, एक अच्छी, एक बहुत ही एवरेज ह्यूमिडिटी पर उसे करती है, टेस्ट करती है, ताकि आपके लैपटॉप अगर कहीं भी ऐसे जगह आप यूज़ कर रहे हो जो कि जहाँ बहुत हीट है या फिर जहाँ बहुत ठंडा होने वाली है, तो आपके लैपटॉप पर ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। कंपनी वहाँ पर बहुत ही उससे बहुत तरीके से टेस्ट करती है ताकि आपको उससे बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल पाए। और बेसिकली जो होती है ड्यूरेबिलिटी और सिक्योरिटी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परफॉर्मेंस। अगर आपके लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, आपकी ये फीचर्स अच्छी है, आपकी जो हिंजेस है वो बहुत ही तगड़ी है, बट अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई वहाँ पर आपको बहुत ही डिसेंट सा फील होने वाला है। और मैं आपके लिए जो टॉप 5 बेस्ट जो बिजनेस लैपटॉप है इस टाइम पर वो मैं आपको नीचे लिंक में दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन का लिंक में दिया हूँ, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं और अपने लैपटॉप को लंबे टाइम के लिए 7 to 8 ईयर्स के लिए बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो।
और बेसिकली मैं बात कर रहा था इसकी परफॉर्मेंस की। तो बेसिकली यहाँ पर जो आते हैं बिजनेस लैपटॉप्स वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, उसकी जो होती है परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे लेवल की होती है। अच्छे लेवल का मैं इसकी उसमें आपको लेटेस्ट टाइप के जो आते हैं DDR4 रैम या DDR5 अगर आएगी तो आपको DDR5 के रैम भी उसमें इनबिल्ट देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपकी मिनिमम 8GB की रैम होनी ही चाहिए। अगर आप ले रहे हो बिजनेस लैपटॉप तो आपके पास एक 8GB का रैम होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कंपनीज यहाँ पर रिकमेंड आपको करती है कि आप 8GB का रैम लो और आपको उसमें जो आती है लेटेस्ट जो आ रही है अभी प्रोसेसर, जैसे कि इंटेल की Core i3 11th जनरेशन भी आ चुकी है। बट आपके लिए यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि मुझे लॉन्ग टाइम यूज़ करना है, मुझे लैपटॉप से बहुत अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है आपकी जो प्रोसेसर है वो आपकी एक लेटेस्ट टाइप की और मिनिमम Core i5 की लेटेस्ट जनरेशन की प्रोसेसर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि देखिए, आपका जो बैटरी होता है वो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपके लैपटॉप में एक अच्छी प्रोसेसर है, आपके लैपटॉप में एक अच्छी टाइप की रैम है और आपके पास एक SSD टाइप है, वहाँ पर आपकी अगर आप लैपटॉप को लॉन्ग टाइम यूज़ करते हो, लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हो 7 to 8 hours कंटिन्यूसली, फिर भी आपको वहाँ पर बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए किसी भी बिजनेस लैपटॉप में। तो आपको ये यहाँ पर कंपनीज जो है आपको रिकमेंड करती है इंटेल Core i5 का लेटेस्ट जनरेशन प्रोसेसर, आपको रिकमेंड करती है एक लेटेस्ट टाइप का रैम। तो बेसिकली जो इसके फीचर्स हैं, मैं बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी की, डिज़ाइन की, प्रोसेसर की, तो ये बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। साथ ही मैं बात करता हूँ इसके जो होती है ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी बहुत ही तगड़ी होती है, जिसमें कि आपको कोई भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी जो होती है वारंटी, आपको बहुत ही लंबी देखने को मिलती है। कंपनीज यहाँ पर आपको 3 to 3 years से लेकर 5 years तक की वारंटी देती है, ताकि आप अपने लैपटॉप को यूज़ करो, उसे अगर कुछ दिक्कत होता है तो कंपनी उसे आराम से ठीक करेगी और आपको लॉन्ग टाइम के लिए वारंटी कार्ड दिया जाता है। तो बेसिकली बिजनेस लैपटॉप को परचेस करने के यही इंपॉर्टेंट रीजन्स थे कि आपको उसमें बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, उसकी बॉडी, उसकी हिंजेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, आपको मेटल की हिंजेस मिलती है, उसकी बैटरी बैकअप आपको बहुत ही अमेजिंग लेवल की देखने को मिलती है। आप अपने लैपटॉप को आराम से 7 to 8 hours कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको मिलती है लेटेस्ट टाइप की प्रोसेसर, आपको मिलती है लेटेस्ट टाइप की एक DDR4 रैम। तो बेसिकली जिस लैपटॉप में आपको अच्छी प्रोसेसर देखने को मिलेगी, अच्छी टाइप की रैम देखने को मिलेगी, आपको एक लेटेस्ट टाइप का M.2 PCIe NVMe SSD देखने को मिलेगा, तो बेसिकली जाहिर सी बात है कि उसकी बैटरी बैकअप आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हो कि आपको इस टाइम पर बिजनेस लैपटॉप क्यों परचेस करना चाहिए और आपके लिए इस टाइम पर कौन सा लैपटॉप बेस्ट होने वाला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।